हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू आर गुड एंड रेडी फॉर स्टडी बच्चों यस तो आज हम पढ़ने वाले अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है बॉमकेश बख्शी बो मीनिंग भी देख लेते हैं फ्रिक्शनस मीन्स क्या होता है बच्चे नॉट रियल इग्नियस मीन्स ऑनेस्ट एंड डिस्टग्रेस मीन्स क्या होता है मतलब जो चीज नॉट अप्रोप्रिएट होती है थोड़ी डिफ्रेंशिएट होती है दूसरों से अलग उसको बोलते हैं डिस्टिंग वैसा चेंज्ड अपीरेंस भी बोल सकते हैं आप इसको एंड जेनरे मीन्स क्या होता है जेनरे मीन्स होता है नॉट एक्यूरेट ठीक है एंड पॉटियर मीन्स वर्णन करना किसी चीज को बताना सो लेट्स बिगिन बच्चों सम फ्रिक्शनल कैरेक्टर्स आर सो लाइफ लाइक दैट दे आर ऑफन एक्सेप्टेड फॉर रियल दीज कैरेक्टर्स हैव बीन क्रिएटेड बाई राइटर्स एंड फिल्म William Shakespeare has given several immortal characters. So, have a number of foreign and Indian writers, even Indian films have not lagged far behind in this achievement. Just one illustration is Gabbar, whose dialogues continue to echo in all the assemblies that take place all around us. So, here some frictional characters which are real.

उन्होंने फिल्म भी, भी ऐसी हैं, जो पीछे नहीं रही है इस अचीवमेंट को लेने में जब इलेस्ट्रेशन की जाती है जैसे गब्बर का हम नाम लेते हैं जिसके डायलॉग्स है वो कंटिन्यू लोगों के मुंह पर बने हुए हैं और उन्होंने भी कैरेक्टर रिमेन्स दैट ऑफ रिमेन पॉपुलर ओवर है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वेन एवर यू टेक दिस नेम योर माइंड इमीडिएटली वेंडर्स ऑफ अ टिपिकल बंगाली पर्सन wrapped in a dhoti cleaning the glasses with a corner of the dhoti with bright eyes and exploring and searching looks while the visage of covered in innocence and intelligence of course the face remains distinct only because of the fact that his fictional character has been played on screen by a number of actors but the underlying spirit remains common to all of them as you think more of him a spirit of mystery starts to envelop you from a very outset एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द मार्वर्स क्रिएशन मेड अ रियलिटी बाय द वेल नोन बंगाली राइटर शारा दिंदु बैगन उपाध्याय तो ये स्टोरी जो है बच्चे इसमें बताया है कि जो फ्रिक्शनल कैरेक्टर हैं जिनके बारे में हम सोचते रहते हैं बातें करते रहते हैं और बहुत सारे हमारे जो राइटर्स हैं उन्होंने इनको कहीं ना कहीं हमें दिया है है ना और वो बिल्कुल रियल बना दिया उनको तो यहाँ पर भी हम फ्रिक्शनल कैरेक्टर जो रिमेन्स रह जाता है जिसके अंदर वोकेश बक्शी का नाम आता है जिन्होंने कहा जो स्केच है ज रिमेन पॉपुलर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहा है ना काफ़ी टाइम तक वो पॉपुलर बना रहा जब हमने देखा यू टेक दिस नेम कि आप जब इस नाम को लेते हैं तो आपके माइंड में क्या इमीडिएटली वेंडर्स होता है अ टिपिकल बंगाली पर्सन जिन्हें धोती पहनी हुई है अपने ग्लास पहनते हैं अपने चश्मे पहनते हैं और अपने धोती के कॉर्नर से साफ करते अपने चश्मे को है ना अपने ग्लासेस को साफ करते हैं और जो उनकी ब्राइट आईज हैं तो एक्सप्लोरिंग एंड सर्चिंग लुक्स करती रहती है कि नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना उनको पसंद आता है एंड विशेज इस इनोसेंस और कैसा लगता है वो काफी इनोसेंस है सादगी में रहते हैं और इंटेलिजेंस भी है course, उनका जो फेस है वो रिमेंस करता है अलग अलग चीजों को बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इज फ्रिक्शनल करेक्टर क्योंकि वो देखते रहते हैं कौन कौन से ऐसे करेक्टर हैं जो रियल ना होते हुए और प्लेड करते हैं जब स्क्रीन पर तो नंबर ऑफ एक्टर्स जो हैं वो कैसे बन जाते हैं रियल में आ जाते हैं तो इसी स्प्रिट को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाते रहते हैं जैसा कि बहुत सारे सोचते हैं और हम लोग भी सोचते हैं स्प्रिट ऑफ मिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है एनोलप वेरी आउटसाइड से और ये बहुत सारी चीजें बच्चे जिसके अंदर क्या दिखा रहे हैं ब्यूटी ऑफ द मार्वल क्रिएशन की किस तरह से वो किसको क्रिएशन करते हैं लोग पर करते हैं ब्यूटी दिखाते हैं उनकी और रियलिटी में बनाते हैं उसको एक मतलब सादगी करते हुए और बिल्कुल ऐसा लगता है कि वर्चुअल ना होकर रियलिटी में आ जाती है और जिसके अंदर हम सबको जानते हैं किसके थ्रू होती है वो बंगाली राइटर शरदेन्दु बंके उपाध्याय के थ्रू सो so, बोकेश बक्शी जो हैजीन अ पॉपुलर कैरेक्टर इन बंगाली लिटरे For decades, ever since he was characterised by the writer in 1932, the writer went on to write 32 completed stories. And when he was in the course of writing the 33rd, the cruel hands of the death snatched him away from us. And with this, our desire remained unfulfilled to have more intriguing and mysterious stories with the igneous detective at work. The first story by the writer was Satyavanshi in. 1932 and it became the instant hit and there were causes behind its becoming popular in no time the 32nd story the last complete one by sharda dindu bendi upadhyay was the lower biscuit and besides the 19 69 के अंदर वो पब्लिश की गई जस्ट इमेजिन द द लेंथ ऑफ टाइम अबाउट डिकेड तो यहाँ पर बोकेश बख्शी के बारे में बताया गया बताए जो बोमकेश बख्शी हैं वो काफी पॉपुलर करेक्टर है बंगाली के अंदर बंगाली लिटरेचर के और डिकेड्स तक मतलब उनके दशक तक उनके कैरेक्टर को याद किया जा रहा है है ना बाय द राइटर इन 1932 से जो राइटर हैं वो क्या लिखते हैं बहुत सारी उन्होंने थर्टी टू कम्पलीट किए स्टोरीज ठीक है और 32 टू स्टोरीज उन्होंने लिखी है ही वॉज अ कोर्स ऑफ राइटिंग द थर्टी थर्ड ठीक है और वो क्या कर रहे थे थर्टी थर्ड राइटिंग भी लिख रहे थे और जो उनका क्रूअल हैंड्स ऑफ डेथ है स्नेसम अवे फ्रॉम अस लेकिन कहीं ना कहीं हम एक तरह से वो जो स्टोरी लिख रहे थे उसको वहां पर बंद हो गया तो कहीं ना कहीं वो अपनी लास्ट स्टेज में चले गए थे विद इज आवर डिजायर रिमेन अनफुलफिल्ड टू हैव मोर और कहीं ना कहीं हमें, हमें क्या मिस्ट्री स्टोरीज किस तरह से हमें बताते हैं अंदर की चीजों को निकालते थे हमारे रहस्य में कहानियां जो थी उनको शो करते थे डिटेक्टिव तौर पर अपने वर्क के थ्रू फर्स्ट स्टोरी जो थी बच्चे राइटर के थ्रू जो लिखे गए वो कौन सी थी वो थी सत्यावशी जो 1932 में लिखी गई और ये बहुत ज़्यादा हिट हुई थी है ना पॉपुलर हुई थी एंड देयर वर कॉज बिहाइंड इट्स बिकमिंग पॉपुलर इन नो टाइम मतलब ऐसी कोई भी चीज़ पॉपुलर नहीं हुई है जैसे उनकी ये स्टोरी पॉपुलर हुई थी थर्टी सेकेंड जो स्टोरी थी उनकी जो लास्ट कंप्लीट की थी उन्होंने वो किसके थ्रू की गई थी शारदेंदु बके उपाध्याय के थ्रू जिसका नाम था लोहर बिस्किट और ये पब्लिश हुई थी 1969 में जस्ट इमेजिन जो लेंथ ऑफ टाइम क्या था इसका अबाउट फोर डिकेड long in which the writer has immaculately cultivated and developed the character from youth to old age while still keeping his investigative skills intact and that remains a beauty of his writing the last story which could not be completed by the writers owing to his unfortunate death was बेशुपाल बोध इन 1970 के अंदर सो so, यहां पर कितना टाइम लगा मतलब फोर डिकेड लग गए बच्चे स्टोरी को लिखने के अंदर जो 32 उन्होंने लिखी थी उसको फोर डिकेड लॉन्ग पीरियड टाइम उन्होंने लिया ठीक है जिसको लिखा गया राइटर उन्होंने चीजों को कल्टिवेट किया है डेवलप किया है करेक्टर्स को और वो कहां तक और यूथ से लेकर ओल्ड एज तक सबके अंदर मतलब उस करेक्टर में ढालने की कोशिश की है और इस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते थे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे अपनी स्किल्स को इंटेक्ट कर रहे थे और जो ब्यूटी ऑफ इज राइटिंग था इसका है ना क्योंकि वो अपनी कहीं ना कहीं इनके थ्रू क्या करते थे अपनी जो ब्यूटी ऑफ राइटिंग है उनको और निखार रहे थे और अच्छा सा बना रहे थे तो ये उनकी क्रिएटिविटी थी बच्चों है ना अपनी स्टोरी के थ्रू किस तरह से वो एक्टर्स को प्रेजेंट करना है ये उनकी कला थी एंड कुड नॉट बी कंप्लीटेड बाय द राइटर्स ओइंग और कहीं ना कहीं है ना सारे राइटर्स के थ्रू अपने आप नहीं होता इसको अनफॉर्चुनेट उनकी जो डेथ हो गई अदरवाइज वो इस चीज को और आगे कंटिन्यू करते रहते हैं जिनके अंदर है उनका भिशुपाल बोध इन 1970 के अंदर इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो द नेम्स ऑफ अदर स्टोरीज बाय शरदेंदु पेंडी उपाध्याय विच आर एज फोलोज पोथर कांता इन 1932, सीमांतो हिरा इन 1932, मोक्रोशार रोश इन 1933 मंदरथम इन 1933, थर्टी चोरावली इन 1933, अग्निबाण अग्निबान इन 1935, थर्टी इन 1935, थर्टी रोक्तोमुखी लीना इन 1936, बोमेकेश ऑफ बोरोदा इन 1936. आफ्टर दिस देयर केम अ गैप ऑफ 15 इयर्स एंड देन केम द नेक्स्ट स्टोरीज चित्रोचोर इन 1951, दुर्गा दुर्गो रहस्य इन 1952. चित्रखाना इन 1953 आदिम रिपो इन 1955 बैनी पटंगा इन 1956 रॉक्टर दाग इन 1956 मोनी मोडन इन 1958 अमृतर मृत्यु इन 1959 फिफ्टी रहस्या इन 1959 अचिन पक्षी इन 1960 कोहन काबी कालिदास इन 1961 खोंजी खोंजी नारी इन 1961 अवित्यो इन 1961 मंगो मोनिक इन 1963 खुश काचारो इन 1963 हैनियार्स चामडो इन 1964 रूम नंबर दुई इन 1964 and Chotanar Chomando in 1965, Sojara Kanta in 1967, Banti Shogar in 1968, we have already told you about his last complete story Lohar Biscuit which has published in 1969 and the incomplete story was Bishupal Bodh which could not be completed due to ultimately death of the great author. इंडियन लिटरेचर इन जनरल एंड बंगाली लिटरेचर इन पर्टिकुलर वोटेडोरिटी दो वोश बी वो जस्ट वन मोर एडिशन टू द लिस्ट ऑफ डिटेक्टिव सो यहाँ पर क्या बताया बच्चे बहुत सारी अपने देखा पीछे हमने पढ़ी है बहुत सारी मूवीज हैं स्टोरीज है, है ना जो उन्होंने काम किया है वो अलग अलग डिकेट्स में बनाई गई है तो यहां पर जैसे कोई 56 में बनी है कोई 60 में बनी है तो इस तरह से उनकी सारी स्टोरीज के नाम यहां पर मेंशन है जो आपको देखने पड़ेंगे है ना तो उसके बाद जो इंडियन लिटरेचर है जनरली वो कैसा है वो अलग है थोड़ा बंगाली लिटरेचर से है ना थोड़ा पर्टिकुलर है तो वहां पर जो स्टोरीज हैं बुक्स हैं थोड़ी सी अलग होती हैं डिटेक्टिव बेस पर है ना तो वो कैसे राउंड में घूमती हैं बट मोस्ट ऑफ दैन जो अटेंड करते हैं ओनली मेडिकल पॉपुलरिटी के लिए थ्रू बुकिंग बक्शी जो है वो जस्ट वन मोर एडिशन टू द लिस्ट ऑफ डिटेक्टिव ये एट द वे ही वर्क डिस्टिंग him from the order detectives of his genre. The earlier detectives seemed to be heavily drawn from the immortal character of Sherlock Holmes as created by author Conan Doyle and he seemed to be london or other parts of the european in guest of kolkata this was the first time that a writer had depicted kolkata in its essential characteristics with hidden features and surprises that the city threw up at every turn in fictionals and factual life moreover the stories depict the people of the city in far more realistic terms to add to all this bomekesh bakshi thinks in a unique way and does not try to copy sherlock holmes or the hercules period rather adopts some original methods in revolving mysteries without having a sacrifice his ethical code of conduct as observed by indians and this approach made him instantly popular with the readers one more thing that the worked in favor of the mass appeal is that

जिसके बक्षी का नाम है तो वो क्या है मोर एडिशंस करते हैं लिस्ट ऑफ डिटेक्टिव के बेस पर वो अलग चीजों को प्रेजेंट करते हैं ना और डिटेक्टिव के बेस पर ऐसा नहीं है कि वो उन चीजों को अलग अलग तो दिखाना चाहते हैं टॉप पर भी लेकर जाना चाहते हैं लेकिन अर्लियर डिटेक्टिव के बेस पर वो ऐसे दिखा देते हैं चाहे वो लंदन में प्रेजेंट करें अलग से यूरोप में प्रेजेंट करें अपनी चीजों को वो पूरा अपने इमोर्टल करेक्टर्स को कहां पर बिल्कुल अलग रखना चाहते हैं और मैं शेलॉग होमलॉग्स एंड क्रिएट करते हैं वो अर्थोर कॉनवेंट डॉयल को और सेटिंग सीम्ड टू बी लंडन और अदर पार्ट्स ऑफ यूरोपियन जिसमें वहां पर कोलकाता के लिए दिखाया गया था और बहुत सारे हिडन फीचर्स है बच्चे जो सरप्राइज करते हैं उन सिटीज के बारे में उन चीजों के बारे में फ्रिक्शन के बारे में फक्चुअल लाइफ के बारे में तो सब चीजें बताते हैं वहां पर जो स्टोरीज है वो डिपिक्ट करती हैं पीपल ऑफ द सिटी के बारे में ठीक है कैसे रियलिस्टिक टर्म्स के बेस पर वो एड करते हैं बख्शी जो है वो ये सोचते हैं एक यूनिक वे में सोचते हैं वो सबसे अलग हटकर सोचते हैं वो कॉपी नहीं करना चाहते ठीक है किसी को भी कॉपी करने की उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं करी जो शरलॉक होम्स का नाम दिया गया है यहां पे हेरिक्यूल पेरेट का नाम दिया गया है किसी को भी उन्होंने कॉपी नहीं किया इवन वो ओरिजिनल मेथड को अपनाते थे मिस्टीरियस ढूंढते थे ठीक है ना उनके साथ-साथ कुछ सैक्रिफाइस के बेस पर कुछ एथिकल कोड को कंडक्ट करते थे और ऑब्जर्व करते थे कहाँ से इंडियंस के थ्रू और ये अप्रोच करते थे मेड हिम द इंस्टेंटली पॉपुलर इन द रीडर्स और इसलिए वो क्या है पॉपुलर बने रीडर्स के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको डिफरेंट दिखाती है उनको फेवर करती है और साथ में उनका जो प्यार है लोगों का वो कहीं ना कहीं वो पाते हैं उसके बाद ही धीरे धीरे उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए उनकी जो शादी हो जाती है एक वाइफ से ठीक है जाहिर सी बात है एक लेडी से होती है पता है ना बच्चों तो यहाँ पर वो वीमेन के लिए भी हमेशा प्यार दिखाते हैं ठीक है विमेन के भी रिस्पेक्ट रहती है उनके दिमाग में और हमेशा रिस्पेक्ट करते हुए तो बाद में उनकी शादी हो जाती है और उनकी वाइफ का नाम होता है सत्यवती

हस्बैंड को हमेशा सपोर्ट करती रहती थी डिस्क्राइब करती थी किसके थ्रू करती थी बख्शी के थ्रू अपने आप को डिस्क्राइब करती रहती थी और वो एक रिमार्केबल गर्ल थी जो हमेशा करती रहती थी कि क्या ग्रेस अंडर प्रेशर के अंदर रहते हुए भी वो हमेशा आगे बढ़ती रहती थी और बंगाली गर्ल थी वो दो बोमकेश बख्शी पॉर्ट्रेट इन द फिल्म एंड टेलीविजन सीरियल्स हैज ओनली मेड हिम वन ऑफ द मोस्ट एंडियरिंग करेक्टर्स ऑफ बंगाली एंड इंडियन लिटरेचर द फर्स्ट फिल्म बेस्ड ऑन हिम केम इन सिक्सटी सेवन which was based on Sardanindo stories Chitra and was the, directed by the Satyajit Rai and had an assembled cast of country stars and Uttam Kumar प्लेड बख्शी इन दिस फिल्म एंड सत्यजीत रे वेंट टू ऑन विन नेशनल अवार्ड फॉर दिस फिल्म सो यहां पर बोमकेश जो बख्शी हैं उन्होंने अपनी मूवी बनाई बच्चे ना एक फिल्म बनाई एंड टेलीविजन सीरियल्स भी उन्होंने बनाए जिनको काफी पॉपुलैरिटी भी मिली और करेक्टर्स उन्होंने कौन कौन से डाले बंगाली करेक्टर्स डाले एंड इंडियन लिटरेचर को डाला वहाँ पे वो उनकी फर्स्ट फिल्म बेस्ड थी किस बेस पर बच्चे इन 1967 में आई और वो बेस्ड थी शरदानंदो स्टोरी के ऊपर जिसमें किसके बारे में बताया गया है चिड़िया खाना के बारे में है ना चिड़िया खाने के बारे में डायरेक्ट की गई है और डायरेक्ट किसके थ्रू गई सत्यजीत रे के थ्रू जिन्होंने असेंबल्ड किया कास्ट को पूरा टेम्परेरी स्टार्स को उत्तम कुमार ने काफी अच्छा ठीक है उसमें रोल प्ले किया है बख्शी ने एंड इन दिस फिल्म सत्यजीत रे ने क्या जीता एक नेशनल अवार्ड भी जीता इस फिल्म के लिए द नेक्स्ट फिल्म टू पोर्ट्रे द दल्यूथ वॉज द शाह इन नाइनटीन सेवेंटी फोर डायरेक्टेड बाय मंजू दे एंड प्रोड्यूस्ड बाय स्टार प्रोडक्शन इन इट सतेंद्रा भट्टाचार्यज एक्टेड एज बख्शी एंड द फिल्म वॉज पॉपुलर विद द व्यूअर्स सो नेक्स्ट फिल्म उनकी कौन सी आई बच्चे फिल्म टू पोर्ट्रे सैल्यूथ वॉज द जिसके अंदर था क्या नाम था शाहजूख खान था

Detective Monkesh Bakshi in a graceful and elegant manner. K.K. Raina acted as Ajit and Bokesh Bakshi's conicler assistant, and the dear friend, and was the perfect fit for the role. The role of Satyavati was played by Sukhandya Kulakarni, and the series became so popular in India that people started to recognize Ranjit Kapoor as the real detective named Bokesh Bakshi. The series was aired for 33 episodes on DD1 in 1993 and again in 1997. Its popularity can be

है ना उसके बाद जो फिल्म बनी गई तो दूरदर्शन पहले कौन सा चैनल आता था बच्चे है ना अपने पेरेंट्स से पूछ के देखेंगे आपने तो शायद नहीं देखा होगा दूरदर्शन चैनल आता था उस पर बहुत सारी सीरियल होते थे जो रोल प्ले करते वहां हाउस होल्ड नेम इन इंडिया है ना तो यहाँ पे जो सीरियल्स बने थे उनको टेलीकास्ट किया जाता था बच्चे कौन से ईयर में थ्री में जिसके अंदर जो रंजीत कपूर है उन्होंने रोल प्ले किया था किसका फेमस डिटेक्टिव मोमकेश बख्शी का जो ग्रेसफुल और एक एलिगेंट मैनर के रूप में उन्होंने प्ले किया के के रायना जो है उन्होंने कैसे एक्टेड एज अजीत उन्होंने किसका एक्ट किया था अजीत का और बोमकेश बक्शीज़ जो कौन थे कॉनिकलर थे असिस्टेंट एंड द और डियर फ्रेंड्स एंड वो इज अ परफेक्ट फिट ऑफ द रोल और इस रोल के लिए परफेक्ट वो फिट बैठते भी थे जो रोल था किसका सत्यवती का उन्होंने काफी अच्छा प्ले किया एंड सुकन्या कुलकर्णी के थ्रू ठीक है सुकन्या जो कुलकर्णी है उन्होंने भी इस रोल को प्ले किया जो सीरीज बनी वो काफी पॉपुलर हुई इंडिया के अंदर लोगों ने इसको काफी अप्रिशिएट किया रिकोगनाइज रंजीत कपूर एज अ रियल डिटेक्टिव नेम दे दिया मोमकेश बख्शी को और जो सीरीज थी वो काफी एड होती गई और थर्टी एपिसोड बच्चे वहां पर बने है वन पर 1993 के अंदर और अगेन इनको कंटिन्यू रखा गया 1997 तक काफी पॉपुलैरिटी इसने बटोर ली थी और ये एक्ट इनके एपिसोड इनके कैरेक्टर्स सबको काफी अप्रिशिएट किया गया और दोबारा से जब लॉकडाउन आया था 2020 के अंदर बच्चों तो वहां पर दोबारा से इनको प्ले किया गया कोरोना पेंडेमिक टाइम पीरियड के अंदर और रीब्रोडकास्ट करके इनको सबको जैसे रामायण हो गई महाभारत हो गई अदर के रूप में दोबारा से प्रेजेंट किया गया और दोबारा से इन दर टू थाउजेंड फोर द दूरदर्शन वेंट फॉर अदर सीरीज ऑन दिस ग्रेट डिटेक्टिव टाइटल बोंकेश बख्शी इट वॉज डायरेक्टेड बाय सोपन घोषल एंड द रोल ऑफ द डिटेक्टिव वॉज प्लेड बाय सुनजीत मुखर्जी अजीत वॉज प्लेड बाय Debdet Ghosh while Satyabhoti was played by the Maitreya Mitra. The serial went to attain accolades of its delicate and picturization and the portrayal of the surroundings. सो so, यहाँ पर 2004 के अंदर बच्चे जो दूरदर्शन है वो एक तरह से ही गया था वेंट फॉर सीरीज के अंदर for this great detective के अंदर. और लेकिन यहाँ पर दोबारा से आया और टाइटल रखा गया बोकेश बख्शी को ये डायरेक्ट किसके थ्रू किया गया बच्चे स्वपन so, घोषल के थ्रू डायरेक्ट किया गया जो रोल था डिटेक्टिव रोल वो प्ले किया किसने किया सुदीत मुखर्जी ने और अजीत ने प्ले किया कौन सा वाला देवदत्त घोष का ठीक है इस तरह से अलग अलग करेक्टर्स ने यहाँ पर प्ले किया रोल और काफी अच्छा रोल प्ले यहाँ पर किया गया जिसमें डेलिकेट पिक्चराइजेशन हुई है है ऑफ द सराउंडिंग्स ना हर जगह से पूरा वर्णन किया गया उसका व्याख्यान किया गया है और बताया गया है सीरियल में उनके बारे में भी येट अनदर टेलीविजन एडेप्शन वॉज मॉन्केश इन टू थाउजेंड अगेन डायरेक्टेड बाय स्वपन घोषल्स इज कोलेब्रेशन विद तारा मोजिल एड प्राइवेट बंगाली टेलीविजन चैनल एंड रोल ऑफ बक्शी वॉज प्लेड बाय सत्यापर्शी रोय एंड सीरियल गेव से इम्पोर्टेंस टू द रोलत को यहाँ पर रखा गया और किसके थ्रू इन 2007 में जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को डायरेक्ट किया गया किसके थ्रू सोपन घोषल के थ्रू कोलेब्रेशन दिया गया यहाँ पर किसके साथ तारा म्यूजिक के साथ तारा म्यूजिक है ना बच्चे उनके साथ यहाँ पर कोलोबरेशन उनका भी साथ में था और प्राइवेट बंगाली टेलीविजन जो चैनल है वहां पर प्रेजेंट किया गया बहुत सारे जो रोल्स थे जिसमें बख्शी वो प्लेड किसके थ्रू किया गया जैसे सप्तरषि रॉय के थ्रू ठीक है सप्तऋषि रोय के थ्रू ये रोल प्ले किया गया सीरियल ने यहाँ पर बहुत सेकेंडरी इंपॉर्टेंस रखी यहां पर रोल को जिसमें अजीत और सत्यवती का भी रोल इंपॉर्टेंट रहा इन 2014 थाउजेंड फोर्टीन गेट एनअर टेलीविजन सीरीज टाइटल बोमकेश वाज एयर्ड इन ई टी बंगला इन विच द रोल ऑफ बोमकेश बख्शी वॉज प्लेड बाय गौरव चक्र तो यहाँ पर 2014 के अंदर भी टेलीविजन सीरीज में इनका एक टाइटल नया आया जिसमें बोमकेश ने आ, किस चीज को एक e है ना बंगला के अंदर इस चीज को रखा और दोबारा से इसको प्ले करवाया एंड वेज द रोल ऑफ बोमकेश बख्शी का यहाँ पर था जिन्होंने रोल प्ले किया किसके थ्रू गौरव चक्रा बाटिया के थ्रू इन 2014 बख्शी एक्वायर्ड इंटरनेशनल बोमकेश व्हेन इट द एपिसोड द मोमी ऑब्जर्वेशन ऑफ द यूएस टीवी सीरीज द बिग बैंग थ्योरी द करेक्टर बेनेडेटे एंड रोटेन कॉस्की रेफर्स टू द बख्शी एज इंडियन शेरलॉक होम्स वाइल्ड राज सो यहाँ पर बच्चे टू के अंदर जो बोमकेश बख्शी है उनको एक्वायर्ड किया गया किस चीज के लिए इंटरनेशनल कॉनोटेशंस के लिए जब उन्होंने एपिसोड बनाए कौन से वाले द मोमी ऑब्जर्वेशन ठीक है कहाँ का यूएस टीवी सीरीज का जिसमें बिग बैंग थ्योरी भी था उनका और आपने सुना भी होगा ना बिग बैंग थ्योरी का वो चीजें भी थी और कैरेक्टर यहाँ पर कौन थे बेंटडे एंड रोटॉन्स्की रेफर्स टू बख्शी किस बेस पर इंडियन शरलॉक होम्स के बेस पर उनको रखा जबकि जो राज थे राज कोथरपल्ली रेफर्स शेरलॉक होम्स एज द इंग्लिश बोमकेश बख्शी और यहां पर भी उनके कैरेक्टर को अलग अलग उसमें प्ले किया गया एज फार एज द सिल्वर स्क्रीन इज कंसर्न इन द न्यू मिलेनियम द बख्शी फीवर हैज अगेन कॉट ऑन विद दिबंकर बेनर्जी सुशांत सिंह राजपूत स्टारर डिटेक्टिव बोमकेश बख्शी विच वॉज रिलीज इन टू थाउजेंड फिफ्टीन सो जहाँ तक हम देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन पर भी इनका कॉन्सर्ट जो आया न्यू मिलेनियम के रूप में है ना बोमकेश बख्शी जो है फीवर हैज कॉट अगेन पकड़ लिया उनको किसके साथ डेब्यू बनर्जी सुशांत सिंह राजपूत ने इस रोल को प्ले किया स्टार के रूप में और उन्होंने काफी अच्छा रोल प्ले किया था यहाँ पर डिटेक्टिव बमकेश बख्शी का जो रिलीज हुई थी 2015 में द ऑडियो अडैप्शन हैज बीन टेकन फॉर अ टोटल ऑफ 7 नॉवेल्स ऑफ बमकेश बख्शी फॉर एयरिंग इन द संडे सस्पेंस सीरीज ऑफ 98.3 रेडियो मिर्ची कोलकाता इन व्हिच आर इंक्लूडेड सत्यवंशी मोकोशा रोश अग्निमान रोकोमुखी नीना किंजी कुंजी नारी अदिवेत्य एंड लोहार बिस्किट So, यहाँ पर ऑडियो एडिप्शन में भी है ना काफी टाइम लिया लिखे गए। सीरीज के अंदर यहाँ पर बताया गया और रेडियो के अंदर इन चीज़ों को बताया गया चीजें इंक्लूड थी है ना जो ये सारी मूवीज का नाम दे रखा है बच्चे और इनकी स्टोरीज का नाम दे रखा है वो यहाँ पर प्रॉपर लिखी गई जिसमें लोहार बिस्किट का नाम भी आ रहा है सत्यवंशी का नाम भी आया है और किंजी कुंजी नारी का भी नाम इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो the way Bomkesh Bakshi works. He adores the words detective and likes other to call himself Satyavanshi, one who is the seeker of truth. It can be seen in some of the stories where he is more interested in finding the truth rather than giving justice to the parties involved. He uses the method where he puts himself in place of the criminal and then he thinks that it would himself have done this however sometimes makes him emphasize with the criminal and thus he would let the criminal escape from the hands of the law he has a working knowledge of many indian texts and sanskrit classical and he would frequently quote from the mahabharata or other indian texts

हमेशा देखना चाहते हैं मांगना चाहते हैं वो चीज के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं एंड इट कैन बी सीन इन सम ऑफ द स्टोरीज बहुत सारी स्टोरीज हैं इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो फाइंडिंग करती हैं ट्रूथ को है ना और जस्टिस को और इन चीजों को पार्टीज इन्वॉल्व भी होती हैं बहुत सारे जो यूजेस हैं मेथड उन्होंने किए हैं वो अपने आप को रख कर देखते हैं क्रिमिनल की प्लेस पर रख के देखते हैं अगर वो छूट जाते हैं तब क्या करेंगे इस तरह से वो अपने आप को ही एनालाइज करके क्रिमिनल के बेस पर भी और देखते हैं और उस स्टोरी को उसी तरह से करते हैं देन ही इज अ वर्किंग नॉलेज और उनको बहुत सारी वर्किंग नॉलेज

Viewers not to disbelieve an actual existence of him to realistic the portal is. तो so, यहाँ पर जो जैसे हमने बात की महाभारत में जो अदर इंडियन टेक्स्ट है उन्होंने में बताया है इस चीज़ को और वो चीजें क्या करते हैं मेथड ऑफ डिटेक्टिव जो रीजनिंग है उनका जिसमें लॉजिक वो दिखाते हैं रीजन दिखाते हैं आने का रीजन फाइनल उनका ओपिनियन क्या होता है इंटरफ्रेंस क्या दिखाते हैं और पर्टिकुलर केस क्या होता है उनको अमेजिन करते हैं ढूंढते हैं फाइंडिंग हिमसेल्फ और एडुकेट करते हैं उन चीजों को तो ये सब चीजें वो करते हैं किस में किस बेस पर ग्रेट फिक्शनल कैरेक्टर के रूप में और यही क्वालिटी उनके अंदर थी जिसमें जो फुल्स होते हैं, कर पाते थे इन चीजों पर भी विश्वास नहीं करते लेकिन एक्चुअल थी उनकी है ना जो वो दिखाते थे अपने आप को रियल में वो काम करते थे वो काफी रियलिस्टिक है और कैसा है उनकी उच्चाइयों को छूने वाला है जिस वजह से उनका आज के टाइम में नाम पॉपुलर हुआ है तो स्टूडेंट्स दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी आई होप आपको अच्छी लगी होगी और ये पूरा उनका एक पूरा चित्रण है कि किस तरह से उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को कैसे जिया है और किस तरह से उन्होंने अच्छाइयों को छुआ है तो आप भी दोबारा से पढ़ेंगे बच्चों रीड आउट करेंगे और इससे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज बच्चे टू यूर सेल्फ